मेरा नाम अब्दुल गफूर है। कतलम्बे का काम हमारा शुरू से खानदानी काम है। एक बार जो खा लेते हैं ना, वो बार बार कहता है कि यार वो कतलम्बा हमें उधर से खिलाएं। मुझे ऑर्डर भी देते हैं लोग ही काम के, लेकिन हम ऑर्डर का भी काम करते हैं, उनके घर जाके काम कर देते हैं। ये मेलों पे, ईदों पे कोई दिन तैयार हो ना, तो फिर हम ये कतलम्बा तैयार करते हैं। हम ये काम अपना खुद तैयार करते हैं, किसी से नहीं करते। हमारे घर वाले लगते हैं तो हम लग के तो इसको तैयार करके फिर ऑर्डर करते हैं इसको। इसमें मसाले सारे वही होते हैं, बस टेस्ट हाथ का होता है। मसाले इसमें 12 मसाले होते हैं, जो इसके बेसन में डाल के मैंने मसाला तैयार करना होता है। दादी मिर्चा है, हरी लाल मिर्चा है, सूखा धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, या अनारदाना, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है, वो रंग है, माँ की दाल है, और ये मैदा है। ये इसके बाद मैं ये थोड़ा सा रंग होता है जो उसको लाली लाता है वो डाल रहा हूँ। 12 खास मसाले इसमें मैंने डाल दिए, तो अब मैं इसको मिक्स करने लगा हूँ पानी डाल के। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको देखे ना, मिक्स हो गया, वो कतलम्बे का रंग निकालेगा वो खुद ही। ये बिल्कुल फाइनल मसाला तैयार हो गया। इसको साइड पे रख के अब इसको मैदा गूंथेंगे, उसके बाद फिर वो मैदा तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर वो पेरे करेंगे। पेरे करके फिर उसके बाद कतलम्बा शुरू करेंगे लगाने। आप घर भी ये चीज़ तैयार कर सकते हैं, पेरे बना लेना घर की तरह, जैसे आप घर बनाते हैं रोटी के, वैसे बना के। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको वैसे रख के थोड़े से नरम होंगे, फिर इसको तैयार होगा। पेरे लेके उसको थोड़ा सा घी लगा के स्टफ करेंगे, फिर उसको ऊपर रख के फिर मसाला लगाऊंगा। घी गर्म होगा, घी के अंदर मैं उसको पेरे को निकाल के उसके अंदर डालूंगा। एक बार ऐसे करना है, दूसरी बार पलटा के इसको दबाना है, 2 बार ऐसे घुमा के, तो फिर इसको निकाल लेना। घी इतना गर्म होना चाहिए कि पेरा अपने आप कतलम्बा फूलना चाहिए। छोटा कतलम्बा रबड़ नहीं बनता, ये खस्ता रहता है। ये देखें, अब आपका कतलम्बा तैयार हो चुका है।